इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करें, की नोट नंबर वन, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, तो सॉरी फॉर द लो एनर्जी। एंड सेकंड थिंग जो इस बारे में ये वीडियो है, वेल, इस वीडियो में मैंने आपको वो चार बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो लगभग हर किसी इंसान के मन में प्रोडक्टिविटी को लेके होते हैं। ये चार सवाल कौन से और इनके आंसर कौन से हैं, ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। आई एम अंकित राय, वेलकम टू चैनल मैन इन यू, एंड लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है वो है, आखिर मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए क्या करना चाहिए। और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि इस सवाल का एक सिंपल सा उत्तर है। इस सवाल का आंसर है, आपको काम करना चाहिए। आपको बेसिकली अपने डे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसे पूरे फोकस के साथ, इंटेंस फोकस के साथ करना चाहिए, और ऐसे ही आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में प्रोडक्टिविटी को लेके होता है कि हाउ कैन आई मेक माई डे मोर प्रोडक्टिव, मैं अपना दिन कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। जब बात आती है सिर्फ एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने की, या फिर अपने डेली लाइफ को, डेली अपना डेली रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए स्केड्यूल, यानी कि आप पूरे दिन भर किस समय क्या करने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब भी बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो आपने हमेशा सुना होगा मुझे बात करते हुए स्केड्यूलिंग की, क्योंकि ये है ही इतना पावरफुल टूल। तो गाइस, जब भी आपको कुछ भी प्लान करना होता है तो स्केड्यूल होना चाहिए। इसके बाद आप जो सेकंड चीज जिससे आपने नोटिस करना है वो है ऑफकोर्स द इंटेंस फोकस। अब आपने स्केड्यूलिंग कर ली कि मैं 10 बजे ये काम करूंगा, 12 बजे ये काम करूंगा, 2 बजे ये काम करूंगा, तो उस समय जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने डिसाइड किया है, उसे पूरे इंटेंस फोकस और पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, और इस तरीके से आप अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका एक दिन आज जो आप कर रहे हो वो आपका एक वीक बनाएगा, आपका एक प्रोडक्टिव वीक, आप वो चार प्रोडक्टिव वीक्स मिलके एक प्रोडक्टिव मंथ बनाएंगे, और 12 प्रोडक्टिव मंथ मिलके एक प्रोडक्टिव ईयर बनाएगा, तो आप साल भर में बहुत ही ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, मेक योर डे प्रोडक्टिव। इसके बाद जो तीसरा सवाल लोगों के दिमाग में ज्यादातर होता है कि आखिर मैं ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनूंगा जब मैं बोर हो रहा हूँ। हम सभी की लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है और हम बिल्कुल बोर्ड फील कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रोडक्टिव बना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है मैं अपनी, वेल, बेसिकली जो मौसम ट्रांसफर होता है इस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, और मेरी एनर्जी अभी कुछ ऐसी है कि मैं, वेल, बेसिकली बेड से ही उठना नहीं चाहता था। तो ये भी एक टाइप का, आप इसे कह सकते हैं कि ये बोर्ड है मेरे लिए, अभी मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है, और ऐसे केस में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो टिप मैं आपको दे सकता हूँ, अपनी एनर्जी के हिसाब से काम को मैच करिए। आपके पास कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो शूट करना, ये हाई एनर्जी का काम है। इसके लिए मैं जितनी ज़्यादा एनर्जी इस वीडियो को बनाने में डालता हूँ, उतनी अच्छी वीडियो आपको वो मिलती है। लेकिन वीडियो एडिटिंग या फिर कहें कोई पोस्ट बनाना, अगर आप इंस्टाग्राम पर चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगी, आप कोई पोस्ट या फिर ये सब चीज़ें लो एनर्जी के काम है जिन्हें, वेल, बेसिकली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप बात आती है कि आप बोर हैं और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव इस केस में कैसे बनना है, तो मैं कहूँगा कि ऐसे ऑप्शंस चूज़ करिए जो आपको, वेल, बेसिकली लो एनर्जी में जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे टास्क करिए इस दौरान जिन्हें आप लो एनर्जी में परफॉर्म कर सकते हो, और एक बार फिर से जब आपका मूड ओके हो जाता है, आपकी हेल्थ ओके हो जाती है, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, तो फिर वो सारे टास्क करिए जिनके लिए, जिन्हें पूरा करने के लिए हाई एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद जो लास्ट सवाल है, मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकता हूँ, इसका आंसर शायद मैंने अपने दूसरा सवाल मैंने पूछा कि मैं अपना डे प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ, इसमें दे चुका हूँ। आपकी लाइफ प्रोडक्टिव कब बनेगी, जब आपके साल प्रोडक्टिव बनेंगे। आपके 10 साल कैसे प्रोडक्टिव बनेंगे, जब आपका 1 साल प्रोडक्टिव होगा। आपका 1 साल प्रोडक्टिव होगा जब आपके 12 महीने प्रोडक्टिव होंगे। आपका 1 महीना प्रोडक्टिव होगा जब आपके 4 हफ्ते प्रोडक्टिव होंगे, और इन 4 हफ्तों को प्रोडक्टिव करने के लिए आपको हर 1 हफ्ता प्रोडक्टिव देना होगा, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपका दिन, आपका हर 1 सेकेंड प्रोडक्टिव हो। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले प्लान बनाना है कि आज के पूरे दिन मैं क्या करूँगा। इसे कहते हैं विजन सेटिंग। आपने सेट कर लिया कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। अब इस 5 साल को पूरा करने के लिए मुझे आखिर
आने वाले इस साल में क्या काम करना है, ये आपका सेकेंड स्टेप आया। इस साल के गोल को अचीव करने के लिए मुझे 12 महीनों में क्या क्या करना है, उन 12 महीनों के हिसाब से इस महीने में क्या करना है। अब क्योंकि मेरे पास गोल है कि मुझे इस महीने में क्या करना है, तो इसे मैं बांट लूंगा 4 हिस्सों में कि इन 4 हफ्तों में क्या करूंगा, एंड देन आज मुझे क्या करना है। इस तरीके से आप अपने गोल को सेट करिए और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में भी इन चारों में से कोई एक या चार के चार सवाल थे और आपको लगा कि हाँ ये आंसर्स वैल्यू रखते हैं, जो कि वैन बिल्कुल रखते हैं, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मैं अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।